हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z6 Pro Android मोबाइल फ़ोन में अगर आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन से कॉल करते हैं तो आपकी कॉल जो है वो सेंड नहीं हो पाती है, ठीक है, यानी कि आपकी कॉल जो है लगती नहीं है किसी भी नंबर पर। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का जो सिम ट्रे होता है, आपकी जो सिम होती है वो आपकी सिम जो है ना सिम स्लॉट 1 में होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिससे आप नंबर से कॉल कर रहे हैं वो आपकी सिम स्लॉट 1 में होनी चाहिए, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक दूसरा प्रोसेस बताता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इसके लिए आपको करना क्या है, जो आपके मोबाइल फोन का फोन ऐप होता है ना, फोन ऐप को आप उंगली से दबा के रखिए और यहां पर आपका एक पेज ओपन होगा। इसमें आपको ऐप इन्फो का ये ऑप्शन मिलेगा, ऐप इन्फो पे टैप करना है तो आपका ऐप इन्फो का पेज ओपन हो जाएगा फोन ऐप का, ठीक है। यहां पर आपको नीचे की साइड में ये स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये क्लियर स्टोरेज क्लियर कैच के दो ऑप्शन मिलते हैं, तो ये बटन मेरा अभी गलती से दब गया, ठीक है, लेकिन इसे दबाना था। तो यहां पर देखिए आपको पहले क्लियर स्टोरेज पे सेलेक्ट करना है, जिससे आपका नीचे की साइड कैच के सामने वाला ये जो है जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको एक क्लियर स्टोरेज पे सेलेक्ट करना है, जिससे आपका यूजर डेटा भी सामने वाला जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसे क्लियर स्टोरेज पे सिलेक्ट करिए और नीचे की साइड आपको डिलीट का ऑप्शन दबा देना है, ठीक है। तो जिससे आपका ये स्टोरेज जो है यूजर डेटा जो है डिलीट हो जाएगा, यानी कि आपके जो फोन ऐप का जो डेटा है ना वो डिलीट हो जाएगा। एक तरीके से आपका ये वाला ऐप जो है ना फोन ऐप आपका रीसेट हो जाता है। इससे आपको जो है ना करना क्या है, इसके बैक पेज पे जाना है अब, ठीक है, इसके पिछले वाले पेज पे जाना है। तो पिछले वाले पेज पे आपको जो है ना ये परमिशन का ऑप्शन मिलता है, परमिशन पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको जो है ना ये जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, कॉल लॉक कॉन्टैक्ट नोटिफिकेशन फोन, ये सब आपके अलाउड होने चाहिए, जैसे मेरे अलाउड की कैटेगरी में, ठीक है। ये आपके नॉट अलाउड में अगर आपकी कैटेगरी में है तो आपको इन सभी को अलाउड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बैक पेज पे आना है, परमिशन के नीचे की साइड आपको ना ये ऑप्शन मिलता है मोबाइल डेटा एंड वाईफाई का, ठीक है, इसे आपको सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको जो है ना ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड डेटा, बैकग्राउंड डेटा के सामने वाला बटन अगर आपका ऑफ है तो इसे आपको टैप करना है, तो ये बटन आपका ब्लू कलर में ऑन हो जाएगा, बैकग्राउंड डेटा का सामने वाला बटन, ठीक है। तो इससे आपकी जो कॉल जो सेंड जो नहीं हो पाती है वो आपकी इस तरीके से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को जो है ना रीसेट करना है, ठीक है। तो मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कैसे करेंगे ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन को जो है ना सेटिंग पेज को ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा, सबसे नीचे सिस्टम का, सिस्टम पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिस्टम के अंदर आपको जो है ना नीचे आपको ये ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑप्शन, इसे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलता है फर्स्ट ऑप्शन रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का, इसे सिलेक्ट करना है। अब आपको इसके अगले पेज में नीचे की साइड ये रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। अब जो भी स्क्रीन लॉक आपने अपने फोन पे लगा रखा है उसे आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये वाला नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग, ठीक है। तो आपको करना क्या है, नीचे की साइड ये रीसेट सेटिंग का ऑप्शन आपको टैप कर देना है, जिससे कुछ ही सेकंड्स में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैं इसे रीसेट सेटिंग पे टैप करूंगा तो यहाँ पर देखिए नीचे की साइड ये नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट का पॉपअप आ जाएगा, यानी कि इस तरीके से आपकी नेटवर्क सेटिंग रीसेट हो जाती है। तो नेटवर्क सेटिंग रीसेट करने से भी आपकी जो है कॉलिंग की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है, जो आपकी कॉल जाती नहीं है, सेंड नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रोसेस आप करके देख लीजिए और आप जो एक बार ट्राई करके देखिए आपका जो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। अब दोस्तों एक अगला प्रोसेस मैं आपको बताया था कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट कैसे करेंगे, आपके मोबाइल फोन के साइड में एक पावर बटन होता है, इस पावर बटन को आपको उंगली से दबा के रखना है, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन के सामने एक छोटा पेज ओपन होगा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, रीस्टार्ट के बटन पे आपको टैप करना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से दोस्तों क्या होता है कि आपके मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी होती है या कोई समस्या होती है वो दूर हो जाती है रीस्टार्ट करने से। जैसे आपका मोबाइल फोन हैंग करता है, नेटवर्क की दिक्कत होती है, कॉल नहीं जाती है, ठीक है, तो इस तरीके की समस्याएं जो है वो दूर हो जाती है रीस्टार्ट करने से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आप अपने फोन को स्टार्ट कर लीजिए। और दोस्तों आपकी कॉल जो सेंड नहीं हो पाती है इसका भी एक रीजन होता है कि आपके मोबाइल फोन में जो है बैलेंस खत्म हो चुका होता है, यानी कि आपका जो बैलेंस है वो आप चेक कर लीजिए, जिसकी वजह से भी आपकी कॉल जो है वो सेंड नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो यहां पर जो आप इसे चेक कर लीजिए। और यहां पर दोस्तों आपको एक लास्ट प्रोसेस करना क्या है, अगर आपको जरूरत लगे लास्ट में करना है ये प्रोसेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपको जरूरत लगे तो आप अपने फोन को रीसेट कर लीजिए। रीसेट कैसे करना है, देखिए आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, सबसे नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम
का सिस्टम पे आपको सिलेक्ट करना है। अब इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है नीचे की साइड रीसेट ऑप्शन, रीसेट ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, ठीक है। तो ये इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये इरेज ऑल डेटा पे सिलेक्ट करना है, जिससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी कॉलिंग सेंड की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको ये इरेज ऑल डेटा पे सिलेक्ट करने से पहले आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है ना, फोटो वीडियो कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट जो भी है, वो आपको किसी दूसरे मोबाइल फोन या कंप्यूटर लैपटॉप या किसी दूसरे मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर कर लेना है, ठीक है ना। नहीं तो आपका मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है ना वो डिलीट हो जाएगा, जिसे आप रिकवर बाद में नहीं कर पाएंगे। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल फोन में जो जीमेल आईडी होती है, जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी आपको लिख के रख लेना है, ताकि आप अपने मोबाइल फोन को दोबारा लॉग इन कर सके, ठीक है ना। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है, इन सभी चीजों प्रोसेस से आप जो है अपने मोबाइल फोन की कॉलिंग नॉट सेंड की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।